आसंता 20 तारीख दिन अनुष्ठित हेबाकु जाउछि अनन्य श्रीगुंडीचा यात्रा। शिल्प शास्त्र अनुमोदित तथा पारंपरिक शैली रे निर्मित तीनि गोटी सुउच्च रथ रे विराजमान करी संकर्षण रूपी श्री बलभद्र, बामन रूपी श्री जगन्नाथ, भद्र प्रदायिनी देवी सुभद्रा, सुदर्शन भूदेवी श्रीदेवी, रामकृष्णक सहित श्रीगुंडीचा मंदिर अभिमुखे यात्रा करिवे। श्रीगुंडीचा यात्रा ठारू नीलाद्रि विजे पर्यंत 11 दिन धरि श्रीक्षेत्र रे प्रबल जनसमागम हेबो। देश विदेश रु सर्व संप्रदाय भक्त जनसाधारण अंश ग्रहण करी प्रभु कृपा लाभ पूर्वक निजको कृतार्थ मणिबे। प्राय 15 लाख यात्री तथा भक्तक समागम को दृष्टि रखि महाप्रभु नीतिकांति सहित यात्री सुरक्षा उपरे गुरुत्वारोप करा जाउछि। प्रत्येक सरकारी विभाग तत्परता प्रकाश करी एथिपई प्रस्तुति चलाइछन्ति। मंगलवार दिन स्थानीय पौरसदन ठारे अनुष्ठित तृतीय समन्वय कमिटी स्वतंत्र समीक्षा बैठक रे वर्चुअल माध्यम रे अध्यक्षता करी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समस्त विभाग कार्य को समीक्षा करने सहित विभागीय अधिकारी श्रीमंदिर सेवायत जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन यात्रा समय रे पुरी को आसवाक भक्त मान सुरक्षा और अन्य सुविधा प्रति स्वतंत्र दृष्टि देवाई निर्देश देखते यात्री तथा भक्त मान स्वतंत्र व्यवस्था करवश्यक प्रकाश करने देश विदेश आसुवा भक्त मान कि उत्तम अनुभूति नहीं पुरी रु फेरवे से समस्त दृष्टि देवाई परामर्श देखते मुख्यमंत्री श्री पटनायक अभिभाषण से कही महाप्रभु ओडिया जातिर श्रेष्ठ परिचय। महाप्रभु रथयात्रा सारा विश्व में विभिन्न स्थान में अनुष्ठित हो रथयात्रा सुरखुरी से संपन्न करने समस्त दायित्व ठीक समय रे महाप्रभु नीतिकांति समापन होगा आवश्यक। यात्री मान सुरक्षा को दृष्टि रखी स्वतंत्र व्यवस्था करा जिबा आवश्यक। पुरीर जनसाधारण एवं महाप्रभु सेवायत माने सेवा और समर्पण मनोभाव नहीं विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा को सफल करने से आह्वान जनाई। बैठक में जिलापाल समर्थ वर्मा स्वागत भाषण देता बेले श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दास रथ निर्माण अग्रगति नीति संपादन और महाप्रभु नीति पर आवश्यक विभिन्न द्रव्य संपर्क में टिप्पणी कही रथ खड़े रथ निर्माण निम्ते ठीक समय रथ काठ पहुंची नीति पर आवश्यक समस्त सामग्री महजूद रही नीति निर्घंट एवं व्यवस्थावली श्रीमंदिर परिचालन कमिटी बैठक में अनुमोदन लाभ कर मुख्यमंत्री दिग्दर्शन मत कार्य कर छतीसानी जो ठार आरंभ कर दलितापति मान पर्याय क्रमे आलोचना कर निर्धारित समय अव्यवहित पूर्व महाप्रभु नीतिकांति किभली संपन्न हो प्रयास जारी रही। बैठक में उपस्थित पुलिस महानिर्देशक सुनील बंसल यात्रा समय भक्त और जानवाहन आगमन को दृष्टि रखी आईन श्रृंखला और समुद्र तट सुरक्षा व्यवस्था संबंध में ग्रहण कर विभिन्न पदक्षेप संपर्क में सूचना दे कहते यात्रा समय लक्षाधिक भक्त आगमन विशेष गुरुत्व बहन करुच्च अधिकारी निजर दायित्व संपर्क में सचेतन कर 160 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन हे पुलिस यात्री सुरक्षा तथा नियंत्रण में सफल हो बोली आमे आशा रखिछु। मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेना प्रकाश करथिले जे यात्रा पई जेऊ प्रस्तुति आवश्यक ता चूड़ांत पर्याय रे पहुंचिछि। यात्री सुरक्षा पई पुलिस सजग रहिछि। मुख्यमंत्री को निर्देश क्रमे सबु विभाग तत्परतार सहित कार्य करुछन्ति। महाप्रभु नीतिकांति संपन्न पई श्रीमंदिर प्रशासन गुरुत्व देउछि। आईन मंत्री जगन्नाथ सारिका प्रकाश करथिले जे प्रत्येक विभाग सेमानक कार्य सुचारू रूपे संपन्न करिवे ए विश्वास मोर रही। जन समागम को दृष्टि रखी समस्त व्यवस्था करा जाएगी। अवसर में जिला प्रशासन पक्ष प्रकाशित रूपरेख पुस्तिका को मुख्यमंत्री श्री पटनायक लोकार्पण करथिले। अन्य मानक मध्यरे शक्ति मंत्री प्रताप दे, नगर उन्नयन मंत्री उषा देवी, पूर्त मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक, जोगाण विभाग मंत्री अतनु सब्यसाची नायक, महिला शिशु विकास मंत्री टुकुनी साहू, संस्कृति मंत्री अश्विनी पात्र, अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक संजीव पंडा, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव तथा उन्नयन कमिशनर अनु गर्ग, विधायक जयंत कुमार षडंगी, केन्द्रांचल आईजी आशीष सिंह, एसपी के विशाल सिंह, अतिरिक्त जिलापाल प्रदीप कुमार साहू प्रमुख मंचासीन थिले। विभिन्न विभाग उच्च अधिकारी माने बैठक रे योगदान करथिले। शेषरे केन्द्रांचल राजस्व आयुक्त सुरेश कुमार दळई धन्यवाद अर्पण करथिले। भावे महाप्रभु पाखे समर्पण भाव न आसने ये कम सर ना तेणु महाप्रभु पाखे समर्पित हो सब विभाग तरफ संयुक्त भाव में आम कम आरंभ करवर मुख्यमंत्री तृतीय समीक्षा बैठक में दिग्दर्शन देखते मान्यवर मंत्रिमंडल अनेक वरिष्ठ सदस्य और राज्य सरकार अनेक वरिष्ठ अधिकारी मैंने प्रथम और द्वितीय समीक्षा बैठक में जो सब कार्यक्रम निष्पत्ति सब विभाग मैंने अनुपालन करने प्रयास करते समस्त मिलित
ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ସୁଚାରୁ ରୂପେ କେମିତି ସମାହିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦୈତାପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ମିଳିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବେହରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଠି ଉପୁଜୁଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବ, ଇଭିନ୍ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଆମର ରହିବ। ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ। ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଉଟର୍ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଅଛି ତାକୁ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ମୋର ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରି ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରା। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରାର ଶେଷ ବୈଠକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ କି ରଥଯାତ୍ରା କିପରି ସୁରୁଖୁରୁ ଚାଲିବ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ କି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବି ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷାଧିକ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରି ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମାପନ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା।